जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इसलिए आप तालियां बजाकर इन गानों में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 106 नाम लियो रे, गीत क्रमांक 106 नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा ताप हरेगा, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो। गीत क्रमांक 5 मेरे लिए एक दोस्त है, गीत क्रमांक 5 मेरे लिए एक दोस्त है, मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है, मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है, दोस्त से दोस्ती करे वह कितना अच्छा है, दोस्त से दोस्ती करे
हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 31 यीशु तू है महान। गीत क्रमांक 31 यीशु तू है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए महा।
क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। हमको छुड़ाया पाप से, अपना बना लिया। गीत क्रमांक 30 ये सारी दुनिया। गीत क्रमांक 30 ये सारी दुनिया। आहा ला 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 ला। Jesus
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गीत क्रमांक 117 दुनिया के कोने कोने में, गीत क्रमांक 117 दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, इस दिल के कोने कोने में कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 119 प्रभु परमेश्वर, गीत क्रमांक 119 प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू है मेरा पिता, स्वर्ग दूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु, प्रभु यीशु मेरे रक्षक है तू मेरा, स्वर्ग दूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना
प्रभु पवित्र आत्मा शांति देने वाला स्वर्ग दूत करते हर पल आराधना। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा। धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर प्रभु तेरी हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 32 पहले तो ये दुनिया रची। गीत क्रमांक 32 पहले तो ये दुनिया रची। पहले तो ये दुनिया रची फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहां। पहले तो ये की तरफ वो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु हम सब लोगों पर तू रखना नजर। पहले तो ये हालेलुया। अभी हम नाच गाकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इसलिए आप खड़े हो जाइए
और नाचते हुए झूमते हुए इन गानों में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया, 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 के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे, हालेलुया, 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 गम का यरा सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे, गम का यरा सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे, हालेलुया, 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 यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जाने रे, हालेलुया, 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 आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे, हालेलुया, 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 नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया, 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 धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे ना, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे ना, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु तुझे ना, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु, जीवन दाता यीशु तुझे ना, मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु तुझे ना, मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु, मुक्ति दाता यीशु तुझे ना, आरोग्य दाता यीशु, आरोग्य दाता यीशु, आरोग्य दाता यीशु तुझे ना,
दाता यीशु तुझे नाम। शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु तुझे नाम। शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु, शांति दाता यीशु तुझे नाम। रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु तुझे नाम। रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु, रक्षण करता यीशु तुझे नाम। प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु तुझे नाम। प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु, प्रेमी दाता यीशु तुझे नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तुझे नाम। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नहीं ऐसा देखे हम कबनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नहीं ऐसा देखे हम कबनो भुवन। धन्य बैल का नाम धन्य बैला, प्रभु का दे दिलवा हमार बोले धन्यवाद। धन्य बैल का नाम धन्य बैला, प्रभु का दे दिलवा हमार बोले धन्यवाद। प्रभु तोरे सामर्थ्य आगे माता मर चुके, मानव जन के ताकत नहीं तोरे आगे चले। प्रभु तोरे सामर्थ्य आगे माता मर चुके, मानव जन के ताकत नहीं तोरे आगे चले। देख लिया हमरा और प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट। देख लिया हमरा और प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट। आग लागल वे प्रभु तोरे हो ही राह पर, कब होवे वाला वे उपकार हम पर। आग लागल वे प्रभु तोरे हो ही राह पर, कब होवे वाला वे उपकार हम पर। पागल हो गए दिल हमार तोरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल वे प्रभु तोरे अखबार में। पागल हो गए दिल हमार तोरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल वे प्रभु तोरे अखबार में। कब लेवे अइबा प्रभु हमके अपने पास, स्तुति कितना करी हम लागल वे आज। कब लेवे अइबा प्रभु हमके अपने पास, स्तुति कितना करी हम लागल वे आज। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कबनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कबनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कबनो भुवन। सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कबनो भुवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे
संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप अपनी जगह पर खड़े ही रहिए और पूरे दिल से इस आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना पूरा मन उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा तो वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखूँगा। हाँ, उस परमेश्वर ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप उसके चरणों के पास बैठे उसकी आवाज़ को सुन सके, उसकी महिमा देख सके, उसके सामर्थ्य का अनुभव ले सके। इसलिए जोर से तालियां बजाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो और दिल से प्रभु से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, पतझर का मौसम है सदा और बिखरी काट यहाँ, मौसम रहता बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ,
पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काट यहाँ, मौसम रहता बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ, खुशबू वहाँ है प्यार की है शांति कैसी वहाँ, सियो न देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, हे मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, सियो न देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं, स्वर्ग दूतों और संतों की आवाज़े है जहाँ, सियों न देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, सियों न देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, सियों न देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, मुझको बुलाता वहाँ, मुझको बुलाता वहाँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद दो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि वही हमारा सच्चा पिता है, उसी ने आज हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की, उसके चरणों के पास उसने हमें इकट्ठा किया, हमारे मार्ग में आने वाले हर एक रुकावटों से उसने हमें बचाया, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तक पिता किसी को खींच ना ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आज यीशु ने आप पर अनुग्रह किया है, पिता ने आपको अपनी ओर खींच लिया है, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि वो हमें हर एक महामारी से बचाता है, हर एक दुष्टात्माओं से हमारी सुरक्षा करता है, हमारे शरीर आत्मा और प्राण की रक्षा करता है, क्योंकि वही हमारा सच्चा रखवाला है, वही हमारा बचाने वाला छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसके समान दूसरा कोई नहीं, इसलिए दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, देखो वो हमसे कितना प्यार करता है, जब उसने हमें बनाने से पहले उसने इस सारी सृष्टि की रचना की, उसके शब्द में सामर्थ्य है, वो शब्द बोलता गया और हर एक चीज निर्माण हो गई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वो कहता है रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई, प्रकाश हो जाए प्रकाश हो गया, और वो सब कुछ उसने हमारे लिए किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस सृष्टि की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना प्यार से भरा हुआ है, जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी मुझसे प्यार करता है, आज भी मेरी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, क्योंकि वो मेरा बाप है जिसने मुझे बनाया रचाया और जिंदा रखा है ताकि मैं उसकी महिमा करूँ, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि माँ की गर्भ के अंदर ही उसने हमें चुन लिया, हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमें चुन लिया, और उचित समय पर उसने हमें अंधकार से बाहर निकालकर उसके दिव्य रोशनी में लाकर रख दिया, इसलिए दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, हम फूलों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, ये सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया,
इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। हर साल वो हमें बारिश का पानी देता है, मीठा पानी देता है, हमारी प्यास वो बुझाता है। हर वक्त हर समय वो हमारे लिए इस जमीन से अन्न को उत्पन्न करता है ताकि वो हमारी भूख को, शारीरिक भूख को मिटा सके, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। जब हम आसमान में रात को देखते हैं चांद और तारे और सितारों को, उनको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने हर एक तारों को भी उसके नाम से पुकारता है। आज उस परमेश्वर ने आपको भी आपका नाम लेकर यहाँ पे बुलाया है, इसलिए दिल से जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। ऊंची आवाज में प्रभु से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, स्वर्गीय पिता तुझे धन्यवाद, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, सामर्थ्य के लिए, हर एक बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। रंगे फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, ऊंची आवाज में प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उस यीशु मसीह की ओर देखते रहो,
क्योंकि जितने उसकी ओर देखते रहे उनके मुंह प्रकाशित हो गए, उनके चेहरों पर चमक आ गई, रोशनी से वो भर गए, क्योंकि वही जगत की ज्योति है। यीशु ने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि वही जगत की ज्योति है। उसने हमारे जीवन को प्रकाश से भर दिया। हम जो पापी थे, अंधकार में डूबे हुए थे, जो हमारी आत्मा की आंखें बंद थी, उसने हमारी आंखों को छू लिया और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया। धन्यवाद देते, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद, धन्यवाद, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि जब उसने हमें छुआ तब हमारा जीवन बदल गया, हमारी जिंदगी बदल गई, हमारे जीवन के हर एक दुख मिट गए, बीमारियां निकल गई, समस्या निकल गई, संकट भाग गए, और परमेश्वर ने हमें आशीषित बना दिया। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद, उसकी प्रशंसा करो। इसीलिए दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है कि मैं यहोवा को हमेशा निरंतर अपने सामने रखता हूँ, वो मेरे दाहिनी ओर है, इसलिए मैं कभी नहीं गिरूंगा, कभी ना डगमगाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे आशीषें प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में आई, क्योंकि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा छुड़ाने वाला और वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद, धन्यवाद, उसकी प्रशंसा करो, महिमा कर। स्वर्ग में वो राजासन पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें हर पल हमारी ओर रहती है, वो हमें ताकती है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। इसलिए दिल से प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। उसने शैतान की हर एक योजना को हमारे जीवन से नष्ट किया, हर एक अंधकार के कामों को हमारे जीवन से नष्ट किया, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र जगत में प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को वो नष्ट करे। इसीलिए उस प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। और उसने हमें जीवन का जल दिया, जीवन का पानी दिया, ताकि हम आत्मा में जीवित हो जाए, हम जो आत्मा में मरे हुए थे वो जीवित हो जाए। इसलिए उसे धन्यवाद दो। और उसने स्वर्ग के परमेश्वर की बातें हमें सिखाई, उसने हमें अच्छी बुद्धि और ज्ञान दी, और उसने हमें जीवित वचन दिया जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे स्वभाव को, विचारों को बदल दिया। इसलिए दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल चुके हैं, उसी के द्वारा हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा गया, उसी के द्वारा हम स्वर्ग के परमेश्वर की संतान बन गए। इसलिए आवाज उठाते हुए, नाचते हुए उस प्रभु की स्तुति करो, जोर से तालियां बजाकर उस महान प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, ऊंची आवाज में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 ऊंची आवाज में जोर से तालियां बजाओ, प्रभु को कहो धन्यवाद प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऊंची आवाज में नाचते प्रभु की यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, यह पान सका कोई सागर
नजर है दुल्हत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे कि यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे ऊंची आवाज में हम साथ बजाएंगे ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उस महान परमेश्वर की ओर देखते रहो, उस यीशु मसीह की ओर देखते रहो, क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत दी है। हम पापों में डूबे हुए थे, पापों में सोए हुए थे, और हमें बचाने वाला कोई नहीं था। हम सब जन नरक के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन देखो उस यीशु मसीह की ओर, उसने स्वर्ग से हम पर दया की, स्वर्ग से हम पर अनुग्रह किया। उसने हमारी दुर्बलता की ओर देखा कि हम तो एक मिट्टी के समान हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं, और शैतान के हाथों से हम दुख उठा रहे थे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दी दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। देखो उस प्रभु यीशु की ओर, उसके बलिदान को याद करो कि उसने हमसे कितना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पवित्र थे इसलिए नहीं, या हम अच्छे थे इसलिए नहीं, तो बाइबल कहते हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे पापों का सारा बोझ उसके ऊपर दिया गया। देखो उसकी बलिदान की ओर, देखो उसने हम पे कितना प्यार किया। हमने इस शरीर से बुरे काम किए, बुद्धि से बुरे काम किए, हाथों से गलत काम किए, पैरों से गलत मार्ग पर चले, और हमारी पापों की सारी सजा उसे दी गई। उसके पवित्र शरीर पर कोड़े मारे गए, और जब जब उसके शरीर पर कोड़े मारे गए तब उसके शरीर से लहू बह रहा था, उसके शरीर से मांस बाहर आ रहा था। सिर्फ हमारे पापों के कारण उसकी ताड़ना हुई, हमारे अपराधों के कारण उसे सताया गया, तड़पाया गया, मारा गया। देखो उसके दुख की ओर, उसने हमारे दुख को उठा लिया और वह हमारे लिए सब कुछ सह रहा था। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कितनी बार इस बुद्धि से गलत विचार करते हैं, गलत योजनाएं बनाते हैं, और हमारे पापों के कारण उस प्रभु यीशु के सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया और वो कांटे उसके सर में घुस गए और उस वक्त उसके सर से लहू बहने लगा। हमने इन हाथों से पाँव से गलत काम किए और उसके पवित्र हाथों पर पाँव पर नोकीले कीले मारे गए और कीले उसके शरीर से आर पार हो गए। देखो उसके बलिदान की ओर, आज हम अगर खुश है, आनंद से नाचते हैं, गाते हैं, केवल उसका अनुग्रह है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है। इसलिए याद कर उसके बलिदान की ओर। देखो हमारे पापों के कारण उसे दो चोरों के बीच 3 किलो पर टंगाया गया, सिर्फ हमारे पापों के कारण उसके कंधे पर बोझ दिया गया, क्रूस, हमारे पापों का सारा भार उसके ऊपर दे दिया। हमारे दुख, बीमारी, क्लेश, श्राप, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। देखो उसकी वोर, जब वो कलवरी चढ़ रहा था पहाड़ पर जाते वक्त, वो उस क्रूस को उठाकर चल रहा था, और उठाते उठाते 3 बार वो गिर गया, 3 बार क्रूस के नीचे दब गया, लेकिन बार बार वो उठा और चलता रहा ताकि हमें जीवन मिले, हमें अनंत काल का जीवन मिले।
इसलिए उस प्रभु ने सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे सारे बोझ को उसने उठा लिया। धन्यवाद प्रभु। देखो उसके बलिदान की ओर, हमारे आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं तो परमेश्वर हंसता नहीं, तो वो भी रोता है क्योंकि वो हमारा बाप है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, प्रभु के बलिदान की ओर देखो और कहो प्रभु से, प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे छुड़ा लिया, तूने मुझे शैतान के बंधन से मुक्त किया। प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, तूने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। मेरे गुनाह की ली तूने सजा चाबुक के मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा चाबू की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चल के सलीब पे, कर्जा किया तूने मेरा अदा, काटो और कीलो से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चल के सलीब पे, कर्जा किया तूने मेरा अदा, काटो और कीलो से। फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मरते हुए माफ करते गया, जुल्म और सितम मेरे, मेरे लिए तू निखाई सदा, दुनिया की ठोकरे। मरते हुए माफ करते गया, जुल्म और सितम मेरे, मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरे। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में।
अपने प्यार की। और अभी हम उस महान परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, तो जिन्हें संभव है वो अपने घुटनों पर आ जाओ, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और अपनी आत्मा की आंखों से उस परमेश्वर का देखने का प्रयास करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। वो अगम्य प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वही भोर का तारा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस यीशु मसीह की आराधना करो, उस पवित्र आत्मा की आराधना करो, क्योंकि वो ही हमारा प्रभु और मुक्तिदाता है, उसके सिवा हमारा कोई नहीं। वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। ये जीवन भी उसी ने हमें दिया और जीवन जीना भी उसने हमें सिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर की आराधना करो। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और कहो प्रभु से, हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा स्वामी है, तू ही हमारा सच्चा बाप है, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर जान दी, लेकिन उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया, वो पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद उसे गाड़ा गया और मरने के बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से वापस जी उठा, उसने शैतान के सर को कुचल दिया और वापस जिंदा हो गया, और उसने कहा, देखो मैं मरा हुआ था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और उसने अपने चेलों को अभिवचन दिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा अर्थात पवित्र आत्मा देगा, जो सत्य का आत्मा है वो सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह के चेले ऊपर की खोली में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक भूकंप हो गया, सनसनाहट हो गई और पवित्र आत्मा आग के रूप में हर एक पे आकर उठ बैठ गया और हर एक जन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। उसी पवित्र आत्मा की आज हमें ज़रूरत है, इसलिए अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और पिता के पास मांगो
कि पिता हमें पवित्र आत्मा से भर दे। अपवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा आ हमारे दिल में आ, हमारे जीवन में आ, हमारे मन में आ। तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे, तेरे अग्नि से हमें भर दे, तेरे आनंद से हमें भर दे, शांति से हमें भर दे। अपवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 13 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही तो क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह
या वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपनी डिंग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है कि तुम अपने मन में कहते हो, मैं फलाना नगर जाऊंगा, वहाँ व्यापार करूंगा और वहाँ कुछ लाभ कमाऊंगा, कुछ कमाई करूंगा, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल का दिन तुम नहीं जानते हो। हम बहुत प्लान्स करते हैं, बहुत योजना करते हैं, लेकिन हम कल जानते नहीं हैं, कल को हम नहीं जानते हैं। तो वचन आगे कहता है, तुम तो भाप के समान हो, वो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। अंग्रेजी में भाप को वेपर कहते हैं, मराठी में हम वाफ कहते हैं, हिंदी में बाफ कहते हैं। वो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, नहीं देख पाते हैं। हमारा जीवन वैसा है, तो हम क्या कहना चाहिए? वचन कहता है तुम ऐसा कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो मैं जीवित रहूंगा और फलाना काम करूंगा, ये काम करूंगा या वह काम करूंगा, प्रभु की इच्छा हो तो मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने डिंग पर घमंड करते हो, सब तरह की घमंड जो है वो बुरी है, घमंड बुरापन है, घमंड अच्छी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, एक सीधी बात, आसान बात मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं समझता है। कितने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत शिक्षा लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं, विद्यापीठ में जाते हैं, बहुत शिक्षा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, एक बात उनके समझ में कभी नहीं आती है कि हम भाप के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हम भाप के समान है, ये बात कितने लोगों के ध्यान में नहीं आती है। बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग या धनिक लोग, अमीर लोग, सत्ता जिनके हाथ में, ऐसे लोग एक चीज हमारे ध्यान में कभी नहीं आती है, जो सत्य है हम नहीं जानते हैं कि हम भाप के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पानी गर्म करते हैं भाप निकलती है, लेकिन वो भाप हम थोड़ी देर तक देख सकते हैं, उसके बाद क्या होता है? भाप दिखाई नहीं देती है, कहाँ जाती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में जो जीवन हम जी रहे हैं, वो जीवन हमारे हाथ में नहीं है। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है। हमें जीवित रखने वाला कोई है, हम खुद की ताकत से जीवित नहीं रह सकते हैं। वी आर नॉट अलाइव ऑन आवर ओन, नॉट ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। हम खुद की ताकत से जीवित नहीं है, हमें जीवित रखने वाला कोई है। जब तक वो हमें जीवित रखेगा, हम जीवित रह सकते हैं। यदि वो हमें जीवित नहीं रखेगा, हम नहीं जीवित रह सकते हैं। हमारा जीवन किसी की मर्जी के ऊपर निर्भर है, हमारा जीवन किसी के हाथ में है। यदि वो हमें जीवित रखे तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि वो हमें जीवित नहीं रखेगा, हम नहीं जीवित रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत भारी सत्य है, और ये सत्य बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उनको लगता है ये फलाना मेरा प्लान है, ये मेरी योजना है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा। उसमें से एक भी चीज नहीं होती है, गिर जाते हैं, डूब जाते हैं। एक औरत मुझे मिलने को आई थी, उसने कहा कि मेरे बेटे के ऊपर कर्जा है। मैंने पूछा कैसा कर्जा हो गया? उसने कहा उसने एक बिजनेस डाला था, उसमें फंस गया। मैंने पूछा कौन सा बिजनेस? तो उसने कहा कंप्यूटर का बिजनेस था, एक पांच छह कंप्यूटर डाले थे, एक बिजनेस चालू किया था। मैंने कहा पूछा उसको इस बिजनेस में कितना नुकसान हो गया? और बोले 3 लाख रुपए नुकसान हो गया। ठीक है, तो कर्जा कितना है? कर्जा 12 लाख है। 3 लाख रुपए नुकसान हो गया, 12 लाख कैसा कर्जा हो गया?
वो बोलते ये उसका पहला बिजनेस नहीं था, ये तीसरा बिजनेस था जिसमें वो फेल हो गया। मैंने पूछा पहला कौन सा बिजनेस था, वो भी कंप्यूटर का ही था। एक मुंबई में डाला था, एक थाना में डाला था, एक और कहाँ डाला था। जहाँ जाता है बिजनेस करता है फेल हो जाता है, हिंदी में कहते नाकामयाब हो जाता है, असफल हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग मेरे पास आके मुझे बोलते हैं ब्रदर मैं जहां भी जाता हूं वहां फेल हो जाता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जहां भी मैं जाता हूं वहां फेल हो जाता हूं। क्यों ऐसा होता है? हम इस तरीके से जीवन जी रहे, हम नहीं सफलता पा रहे, इसका कारण ऐसा है। परमेश्वर चाहता है कि हम समझे हम कौन है। हमारे समझ में आना चाहिए हम कौन है। हमारे हाथ में हमारा जीवन नहीं है कि हमें समझना है। कितने लोग बोलते हैं हमारा जीवन हमारे हाथ में है, नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। कोई लोग अच्छा कहते हैं, परमेश्वर नहीं कहते, ऊपर वाला कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ऊपर रहता है वो, स्वर्ग में रहता है, उसके हाथ में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, घमंड कैसी आती है? घमंड का कारण क्या है? घमंड का कारण यह है कि हमें लगता है हम हमारे जीवन की गाड़ी चला रहे हैं। हमें लगता है हमारे जीवन की गाड़ी हम चला रहे हैं। एक आदमी की शादी हो जाती है, उसको बेटा हो जाता है, बेटा होने के बाद वैसा चलता है। अरे कैसा बेटा हो गया इसलिए, अरे बेटा तो परमेश्वर ने दिया, तुमने क्या किया? परमेश्वर देता है तब बेटी हो जाती तो। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग कहते बेटा नहीं है, कितने बच्चे, पांच पांच ही बेटियां है, एक भी बेटा नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, रोना चाहिए, और क्या करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के सामने आकर रो तो देगा बेटा, हो देने वाला हो है। हालेलुया। घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कोई लोग घमंड करते हैं, उनकी गोरी कातरी गोरी चमड़ी होती है, वाह वाह ये सब काले हैं, मैं गोरा हूं। हालेलुया। अरे लेकिन क्या गोरी का चमड़ी है, थोड़ी दिन रहेगी, एक काला दाग आया चली गई। कितने लोगों का काला दाग आ जाता खलास। हालेलुया हालेलुया। पहले बहुत पहले मुझे भी एक घमंड थी। कौन सी घमंड मालूम है? उन मेरी हाइट की ऊंची। मैंने ये तो शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, मैं ऊंचा हूँ। ये नाटा है, वो नाटा है, वो नाटा है, वो नाटा है, मैं ऊंचा हूँ। हालेलुया। मुझे बहुत घमंड थी मेरे हाइट की, ऊंची ऊंचापन की। हर आदमी को कहाँ ना कहाँ घमंड होती है, जैसे कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे कुछ। जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमें समझना है। कितने लोग पढ़ने लिखने के बाद भी बेवकूफ हो जाते हैं। कभी कभी पढ़ाई लिखाई हमें बेवकूफ बनाती है, पागल बनाती है, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद हमको समझ लगता है हमको सब कुछ आता है। हालेलुया। हमें सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ उसे मालूम है, सब कुछ उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है सरेंडर, मराठी में हम कहते हैं शरण जाने, हिंदी में भी शरण शब्द होगा, शरण सरेंडर। परमेश्वर को हम सरेंडर करना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी ताकत से कुछ चलता नहीं है, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी ताकत से हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। आजकल मैं काउंसिलिंग को बैठता हूँ, लोग आते हैं, मैं किसी को देखता हूँ मैं डर जाता हूँ, इतनी तबीयत। हाँ मैं पूछने वाला हूँ कि तुम्हें कुछ बीमारी नहीं होगी ना, वो बोलते हैं ब्रदर घुटना दुखता है। अरे इतना मोटा आदमी बोलता है घुटना दुखता है। हालेलुया हालेलुया। अभी सुन सुनकर मैं थक गया, मोटा आदमी ऐसा ऐसा चलता है, क्या होता है? हाथ ऊपर नहीं जाता है, हाथ ऊपर नहीं जाता है। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, कितने लोगों के जीवन में इतनी कठिनाई आई है, इतनी दिक्कतें आई, इतनी बीमारियां आई है, दुख आया है, दर्द आया है,
हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या सबूत होता है? यही सबूत होता है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ चलाने वाला प्रभु है, परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, ऊपर वाला है। तो हमें सब तरह की घमंड जो है छोड़नी है। यू हैव टू गेट रीड ऑफ एवरी काइंड ऑफ प्राइड, हर तरह के घमंड से मुक्त हो जाओ। मैंने मेरी घमंड आपको बताई, जो मेरा पाप था मैंने कबूल किया कि मुझे घमंड थी मेरी ऊंचाई की, ऊंचापन, हाइट। किसी को घमंड होती है अपनी चमड़ी के कलर की, किसी को घमंड होती है अपने एजुकेशन की, किसी को घमंड होती है अपने पैसा की, अमीरता की, किसी को घमंड होती है अपनी पोजीशन की, पोजीशन। तो भाई और बहनों, बाइबल बताती है कि हर तरह की घमंड जो है बुरापन है, पाप है। हर तरह की घमंड, कौन सी भी घमंड हो, पैसा की हो, शिक्षा की हो, ताकत की हो, कौन सी भी घमंड हो, बुरापन है, पाप है। हम नहीं घमंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। वो एक मिनट हमको नहीं देगा, हमको एक मिनट नहीं मिलेगा, एक मिनट वो हमें जीवित नहीं रखेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मानवीय शरीर है, साइंटिस्ट लोग अभी भी खोज नहीं पाए, जांच नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पाए वो कैसा चलता है। ब्रेन का बहुत भाग जो है अभी तक अननोन है, मालूम नहीं है। भेजा का बहुत सा भाग जो है अभी तक हमारे समझ में नहीं आता है। मनुष्य निर्णय कैसा लेता है मालूम नहीं है। ये मशीन कैसी चलती है अभी तक हमें मालूम नहीं है। ये मशीन चलाने वाला ऊपर बैठा है, ये मशीन चलाने वाला मनुष्य नहीं है। ये सवाल मैं हमेशा करता हूँ, आप भी किसी को करो। कोई बोलेगा परमेश्वर नहीं है, उसके लिए एक सवाल है, एक सवाल बहुत हो गया, बहुत भारी सवाल है। सवाल ऐसा है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद, अभी समझो आपने खाना खाया है, ये खाना कहाँ है क्या आप बता सकते हैं? पेट के कौन से भाग में है मालूम है आपको? नहीं है। उस खाने का पेट में क्या हो रहा है आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है। आपके दिमाग को मालूम नहीं है, आपके भेजा को मालूम नहीं है, आपके ब्रेन को मालूम नहीं है। यदि आपके ब्रेन को मालूम नहीं है तो किसको मालूम है? आपके पेट में खाना कहाँ है आपके ब्रेन को मालूम नहीं, तो मेरे ब्रेन को मालूम हो जाएगा? हालेलुया। ये जो दोपहर आपने खाना खाया है, कहाँ चला गया, कहाँ जा रहा है आपको मालूम नहीं है, आपके ब्रेन को मालूम नहीं है, आपके दिमाग को मालूम नहीं, इसका मतलब और किसी को मालूम हो सकता है। मैंने यदि आपको सवाल किया कल दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे, आप जवाब दे सकते हैं? कैसे जवाब दे सकते हैं? आपकी मेमोरी में है ना, आपकी मेमोरी में है कल दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे, आपकी मेमोरी में है, आप बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल खाना आपके पेट में कहाँ है आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके मेमोरी में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है। यदि आपके दिमाग में नहीं तो मेरे दिमाग में कैसे आएगा और किसी के दिमाग में कैसे आ जाएगा? यदि ढूंढना है तो पेट काटना पड़ेगा, नहीं तो मशीन से देखना पड़ेगा अंदर क्या कहाँ है। किसी को भी मालूम नहीं है, नोबडी नोज, किसी को भी मालूम नहीं है। हालेलुया। तो पेट में खाना जाता है कैसा जाता है किसी को भी मालूम नहीं है। वो चलाने वाला ऊपर बैठा है, ये मशीन चलाने वाला ऊपर बैठा है, ये मशीन हम नहीं चलाते हैं, कोई नहीं चला सकता है। भाई और बहनों, हम बाफ के समान है, ये सत्य है। हम कभी भी ये सत्य को सत्य पर अविश्वास नहीं दिखा सकते। ये सत्य है कि हम बाप के समान है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य बहुत कुछ इस संसार में करता है, लेकिन कौन से भी क्षण संसार को छोड़ के जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर पूरा नियंत्रण जो है परमेश्वर का है। हमें कबूल करना है, हमें स्वीकारना है। हालेलुया। घमंड करने वाले लोग परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, घमंड करने वाले लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके घमंड के कारण वो परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, उनके घमंड के कारण उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन जो घमंड छोड़ देता है वो परमेश्वर के पास आता है, वो लीन हो जाता है, उसको परमेश्वर का ज्ञान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग आपको मिलते हैं बोलते हैं परमेश्वर है कहाँ, आपको समझना है कि उनके दिल में घमंड है।
जिसने घमंड छोड़ दिया है वही परमेश्वर को जान सकता है। और मनुष्य के जीवन में घमंड क्यों आती है? इसीलिए आती है कि उसको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा जीवन मेरे हाथ में है, मैंने जमीन ली, मैंने एक बंगला तैयार किया, मैंने गाड़ी ली, मैंने कंप्यूटर लिया, मैंने मोबाइल लिया, मैंने किया। जब मनुष्य मैंने करता है तब उसमें घमंड आती है, और ये घमंड जो है बुरापन है, पाप है। घमंड वाले लोग जो है कभी परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके जीवन में कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। ऐसा कहो कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर यदि मुझे कल जिंदा रखेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, परमेश्वर नहीं जिंदा रखेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर यदि देगा तो ही मैं फ्लैट ले सकता हूँ, यदि परमेश्वर नहीं देगा तो मैं फ्लैट नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर से रिश्ता रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन चलाता है। यदि हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखेंगे, खुद के हिसाब से चलेंगे, खुद के दिमाग से चलेंगे, बार बार गिर जाएंगे, बार बार नाकामयाब होंगे। हालेलुया। कितने लोग बार बार नाकामयाब हो रहे हैं, इसका कारण वो खुद के ऊपर निर्भर है, खुद के विचार के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। वो उनको लगता है मेरे जीवन की गाड़ी मैं चला रहा हूँ। ऐसे लोग बार बार नाकामयाब होते हैं, बार बार असफल होते हैं, कहाँ भी जाते हैं सफलता नहीं मिलती है उनको। तो वचन कहता है ऐसा कहना चाहिए कि यदि परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा तो मैं जीवित रहूँगा, परमेश्वर मुझे सफलता देगा तो मैं काम कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका जीवन 100% परमेश्वर के ऊपर निर्भर है वही इस संसार में सफल हो सकता है। जो खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहता और रहता है वो कामयाबी नहीं पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई आपका नाम बताइए। राजेश जायसवाल। आपकी क्या गवाही है? हम लोग ना 4 साल से बहुत परेशान था, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं भटका, बहुत भटका, लेकिन अच्छा नहीं मिला, कोई नहीं सुना हम लोग का, हम लोग पूरे परिवार परेशान थे, लेकिन जब से यहाँ से आने लगा तो प्रभु मुझे चंगा किया है। हम लोग खाना भी नहीं खा पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, और यहाँ पेट में ना इतना तकलीफ रहता था, गाड़ी चलाने को भी नहीं होता था, ये हाथ है ना, ये हाथ उठता नहीं था। जब भी बहन जी बोली कोई हाथ बांध के रखता है वो कभी न कभी उठाएगा, प्रभु की कृपा हुई हम लोग के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, आज हम चंगा हो गए प्रभु कृपा से। आप बता रहे हैं कि 4 साल से दुष्ट आत्मा का तकलीफ आपके पूरे परिवार में था और एक एक करके सब लोग बीमार रहते थे। अब 1 साल से आप प्रभु यीशु के पास आ गए, प्रार्थना में आ रहे हैं, और प्रभु की महान दया हुई, और आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके सब लोग अभी ठीक हो गए। सब ठीक हो गए। आपको पेट में दर्द और सूजन होता था, हाथ नहीं उठता था? नहीं उठता था, बिल्कुल नहीं। गाड़ी जब चलाता था ना झटका लगता, झटका लगता था, और मैं गाड़ी खड़ा कर देता था, मेरा आँख ने आंसू से भर जाता था। तो मैं कहते था प्रभु हमने क्या गुनाह किया है जो इतना हमें ये सब सजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन आपने जब प्रार्थना की है, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते गए, वचन को बोलते गए, तो प्रभु की दया हो गई, आपका हाथ भी फ्री हो गया, पेट का भी तकलीफ आपका निकल गया। ये तो हम कौन सा धर्मी है, ये तो इनकी कृपा है जो आज हम यहाँ पे खड़े होके गवाही दे रहे, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। नहीं तो हमारे तीन जन इसी दुष्ट आत्मा से चले गए। 2004 में हमारे बाबूजी, 2006 में हमारा बड़ा भाई, 2017 में हमारी माताजी, और उसके बाद हम लोग का नंबर लग गया था। लेकिन आप प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु ने आपको नया जीवन दे दिया, दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा दे दिया। भाई आपको क्या हो गया था? मुझे 4 साल से पथरी थी, मतलब कितना भी दवा वगैरह लेते थे कहीं से मतलब ठीक नहीं हुआ था होता था।
तो फिर मम्मी सब पूरी फैमिली इसमें आने लगे प्रभु के पास, तो फिर उसमें आशीषित तेल लगाया गया, थोड़ा प्रार्थना हुआ, एक महीने के अंदर ठीक हो गया मेरा पथरी। एक महीने के अंदर निकल गया पथरी? निकल गया। अभी वो दर्द नहीं होता है? होता है, नहीं होता है, प्रभु ने चंगाई दी है। चंगाई दे दिया। बहने बताइए आपको क्या तकलीफ हो रहा था? और ये बेटे का दूसरी गवाही है 1 तारीख का। मैं जब ड्राइव कर रहा था तो अचानक से मेरे आँख से एक आँख से दिखना बंद हो गया था। अचानक से? अचानक से। और फिर सर में कोई ऐसा लगता था, मतलब शैतानी आत्मा कील ठोक रही थी ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन किया मम्मी को, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मम्मी ने प्रार्थना किया, फिर तुरंत ठीक हो गया। तुरंत प्रार्थना के बाद तुरंत आँखों से दिखने लगा? हाँ, तुरंत ठीक हो गया। और बहन आप बताइए। हाँ, जब ये गाड़ी पे थे तो मैंने प्रार्थना किया, और सिस्टर का वो ऑडियो है ना, वो इनके मोबाइल ऑडियो प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना में बोला ये सुनते रहो और तुम्हें चंगाई मिलेगी, और आ जाओ घर पे, फिर हम लोग देखते हैं क्या है। तो इन्होंने सुना और आराम हुआ, घर पे सही सलामत आए। तो फिर इनके तेज सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, तो हम लोग तीनों जन मिलकर, उस दिन खाना बन चुका था लेकिन उस रात हम लोग खाना खा नहीं पाए थे क्योंकि इतना तकलीफ था इसको, बार बार ऐसा उल्टी जैसा लग रहा था, कुछ बाहर निकल नहीं रहा, सिर्फ वो खा रहा था। तो मैंने सिर्फ ये तेल और ब्रदर का कब्र का मिट्टी वो डाल के दिया, मैं बोला ये पियो, और इसके सर में तेल लगा के पूरे परिवार मालिश करते गए, पूरे बदन में लगाया। मैं बोला प्रभु अब तू ही, मतलब प्रभुओं का प्रभु है, तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु तू मेरे बेटे को चंगा करो। बेटी भी रो रो के प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु तू मेरे भाई को चंगा कर, तू चंगा कर। प्रभु ने सुना और फिर उसके अंदर से जो कुछ था वो उल्टी के द्वारा निकला, और उसे पूरी तरह से 1 बजे सो गया, और सब लोग ऐसे बिगर खाए सोए। और प्रभु ने सुबह उठे तो ये अपना मतलब गाड़ी सिखाने का काम करता है, पढ़ाई दुष्ट आत्मा के वजह से नहीं पढ़ पाता था, ऐसे ही अपने पापा को बोलता था, पापा मेरे आंख से अंधा दिखता, तो ये बोलते तो तू झूठ बोलता है, पढ़ने के लिए बोलता है। तो 10वीं में फेल हो गया वो बच्चा अपने आप से, प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने ड्राइवरी खुद सीख ली, और हमें लॉकडाउन के समय में प्रभु की कृपा से यही हम लोग को खिला रहा था, नहीं तो हम लोग किधर के भी नहीं होते। ऐसी हमारी समस्या इतनी थी ब्रदर की, बताने क्या मैं बताऊं सर। लेकिन आप बता रहे हैं कि जब इसको ड्राइविंग सीखने के बाद अभी आप लोग का एक खर्च भी वहां कर ले, प्रभु यीशु की महान दया हो गई, अभी वो ठीक हो गए हैं। अभी वो ठीक हो गए। और आपको जब दुष्ट आत्मा की जब तकलीफ था तो क्या होता था? हमें दुष्ट आत्मा का तकलीफ था ना ब्रदर, तो इतना हमें तकलीफ होता था कि मैं रात को उठ के सब सोए रहते थे तो अपने सर में अपने हाथ से बहुत सर को पीटती थी कि मेरा सर का दर्द निकल जाए, और मैं कभी सर में, कभी पैर में, कभी कमर में, कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा हमेशा कार्य करता रहता था, दर्द हमेशा पूरे बदन में कहीं ना कहीं होता रहता था। जब इनका गाड़ी पे जाने का समय होता था तो मैं ऐसा लगता था कि मैं खाना नहा धो लेती थी लेकिन खाना बनाने के टाइम बना नहीं पाती थी, बच्चों लोग को खिला नहीं पाती थी, बोलती थी मैं क्या करूं। तब प्रभु में जब मैं 1 साल से पहले ही जुड़ी तो धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते बाइबल पढ़ती थी तो नींद बहुत आती थी और पढ़ने को नहीं होता था, फिर कैसे तैसे करके प्रार्थना करते गए, आते गए तो एक भाई ने। लेकिन आप बता रहे हैं कि जब यहाँ पे जब आए तो शिविर लेते गए, प्रार्थना करते गए, जो भी आपको दुष्ट आत्मा की तकलीफ था, शरीर में दर्द होना, पैर में, पेट में, कमर में, वो धीरे धीरे निकलते गया? हाँ, निकलते गया। तो एक भाई ने, हरीश पुजारी हैं, तो उन्होंने कहा ब्रदर आप यहाँ आ जाओ नए गाँव में। तो हम लोग जब वहाँ से आए 1 साल हो के गया तो धीरे धीरे करके हमारी समस्या निकलते गई। अभी आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? पूरी तरह से हमें चंगाई मिली। तुझे क्या तकलीफ हो गया था बता? मेरा नाम काजल है और मुझे मतलब तकलीफ ये हो गया था लॉकडाउन जब हुआ तो मतलब ये जो पूरा ये सा शरीर का पूरा ये जो नस था पूरा ऐसा आता था और पूरा दांत दुखता था, पूरा ऐसा मुंह खोलने को नहीं होता था, ये चेहरे पे जो ये साइड का पूरा नस बाहर निकल जाता था ऐसा दिखता था सामने से। हाँ, ये पूरा नस मतलब पूरा टाइट हो जाता था और पूरा मतलब दुखता था सर भी, तो इसके लिए मेरे टीचर को भी बहुत गुस्सा आता था मेरे ऊपर, बोलती थी तू गधी है तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने मतलब मेरी टीचर मेरे को बहुत मारती थी, तो मैं इधर आई जब ठीक हो गया और मैंने कॉलेज मतलब स्कूल में जब पास हुई तो टीचर बोली ऐसे कैसे हो गया, चीट की क्या? मैंने बोला नहीं मिस, तो मिस ये सब ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे को
नया जीवन दिया और मेरे पापा मतलब मरने पर आ गए थे और कोई कुछ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा, डॉक्टर तो मतलब लॉकडाउन से ही, जब लॉकडाउन में गए तो डॉक्टर तो दूर से ही ऐसा 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 दवा दे दिया अच्छा लगे, और पापा मतलब रात भर उनका पेट का वहाँ भी लगा कि नहीं बचेंगे, और मेरे पापा की हाइट मेरे यहाँ तक आ गई थी 2020 में, तो ऐसे ऐसे अभी अभी वो मेरे से बड़े दिखते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उनका शरीर इतना दुख में हो गया था कि हड्डियाँ मतलब सिकुड़न जैसा हो गया था, एकदम शरीर सिकुड़ गया था, ऐसा पूरा ऐसे हो गया था, झुक गया था। मैं बहुत रोती थी, प्रभु प्रभु ने मतलब चंगाई दिया और हम लोग को नया जीवन दिया, परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद बता रहे हो कि नहीं। जब यहाँ पर एक साल हो गया आते हुए, निवासी शिविर में भाग लिया, फिर उसके प्रार्थना में आते गए, प्रार्थना करते गए, माध्यम का इस्तेमाल करते गए, और जो भी दुष्ट आत्मा का बंधन था, प्रभाव था, बीमारी था, प्रभु यीशु ने पूरी तरह से निकाल दिया। जी पूरी तरह से निकाल दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस ओ महान परमेश्वर हम जैसे पापी के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, नहीं तो हमको बचाने वाला कौन था, हम इतने दुख और तकलीफ में थे, परमेश्वर का बहुत बहुत। प्रभु यीशु आप लोगों के परिवार के ऊपर आपके पूरा दया किया, क्योंकि आप लोग निराश हो चुके कि हमें बचाने वाला कोई नहीं है, और मेरा पूरा मतलब दांत पूरा हमेशा दुख और तकलीफ में, तो टीचर बोलती थी शायद ये नाटक कर रही है, तो भूख उठा के मार भी देती थी मेरे को, कभी कभी उसको गुस्सा आता था, शैतान लगता उसमें घुस जाता था, तो मेरा लेकिन जब वो तकलीफ होता था, लेकिन वो दर्द वो आंसू प्रभु यीशु ने पोंछ डाला, अब बहुत खुशियों का दिन है, आनंद का दिन आ गया है, प्रभु ने ये परिवार को बड़े पैमाने में छुटकारा दिया है, आशीष दिए, चंगाई दिए। अब लोग जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आप बताइए आपके घर में क्या समस्या थी? मेरा नाम अर्चना साहू है। मेरे घर में कोई भी सामान लेने के लिए सोचती थी तो एक ना एक दिन मुसीबत आ ही जाता था, पैसे की बहुत दिक्कत रहती थी, कुछ भी नहीं हो पाता था, तो मैं यहाँ पे आई, मैं लिख के भी चिट्ठी डाली और प्रार्थना किया और घर पे भी प्रार्थना करते गई। उसके बाद फिर प्रभु ने इसके फीस नहीं भर पा रहे थे, बच्चे लोग का पेपर नहीं देने दे रहे टीचर लोग, तो बाहर खड़ा करते, तो हम लोग बोले बेटा जाओ फीस दो, हम लोग प्रार्थना करते आपको बाहर नहीं खड़ा करेंगे। कितना फीस था उसका? अरे कुछ 3,000 का नहीं, 50,000 दो बच्चे का था भरने का, दोनों बच्चों को मिला के 50,000 रुपया था। हाँ 50,000 था भरने के लिए, तो नहीं हो पा रहा था। हम लोग यहाँ से प्रार्थना किए तो लोग पेपर सब लोग बच्चे बाहर ही थे लेकिन इसको अंदर ले लिए, तो बोलती मम्मी हमको तो टीचर ने अंदर ले लिया, और मैं बोला हाँ बेटा यीशु की प्रार्थना विश्वास करो करेंगे। तो फिर मैं प्रार्थना की, प्रभु कैसा मैं फीस भरूँ, इतना दिक्कत आ रही घर में। फिर मैं एक प्रार्थना की, फीस भी मेरा 15,000 भी कम हो गया इन लोग को, अब मैं पूरा 35,000 इकट्ठा मैंने भर दिया, प्रभु को धन्यवाद देती। जो पैसों की समस्या थी वो खत्म हो गई, आपने प्रार्थना किया 15,000 रुपये कम हो गया, हाँ। और 35,000 आपने एक ही बार में भर दिया। मैं बोला प्रभु कहाँ से मैं भरूँ 50,000 भरना, दो बच्चे कहे एक रुपया घर में नहीं हो कहाँ से करूँ, फिर करते करते 15,000 रुपया भी कम हुआ, 35,000 रुपया पूरा मैं एक ही बार में भर दिया। प्रिंसिपल भी खुश हो गया, तुम एक ही बार में इतना भर दिए, तुमने एक ही बार में इतना पैसा भर दिया। और दूसरी क्या समस्या थी? दूसरी समस्या ये है ना, सब बच्चे लोग बोले मम्मी सब घर में टीवी है, मैं बोला हाँ बेटा टीवी रहता है, तो अपने भी वचन वचन लगा के सुनते, चलो प्रभु सब लोग मिलके घर में प्रार्थना करो, प्रभु देगा, सबको दिया तो हम लोग को भी देगा, तो हम लोग सब प्रार्थना किए। तो उसके बाद ना टीवी मोबाइल और इसके साइकिल की भी बहुत प्रार्थना, तीनों सामान में एक ही दिन लाई मैं। अब मेरी पड़ोसी देखी बोलती है आप लोग इतना समय क्या लॉटरी लग गया है क्या? मैं बोला नहीं, प्रभु की आशीष है, हम लोग यीशु के मानते हैं इसलिए प्रभु ने हमको आशीषित करके तीनों सामान इकट्ठा दिया है। तो लोग बोले कैसा लोन पे लिए हो? मैं बोला नहीं हम लोग नगद पे लिए हैं। कैश पैसा देकर आपने लिया? हम लोग नगद लिए हैं। बोलते एक ही दिन में आपने मोबाइल भी लिया घर में, टीवी लिया और उसके लिए साइकिल भी लिया। हाँ 22,000 का टीवी है बड़ी सा, 16,000 का मोबाइल, 5,000 300 कम 5,000 इसका साइकिल। तो पड़ोसी बोलती आप लोग तो इकट्ठा लेते, हम लोग सोच ही लेते लोन पे लेते। मैं बोला नहीं मेरा भगवान मेरे पति भी खुश होकर बोले हम लोग सब लोग मेरा भगवान नहीं दे, आप आ जाओ आपको भी नगद कैश पे देंगे। प्रभु ने आशीष भेजा है। हाँ इकट्ठा एक साथ में हमको दिए। इतने साल से आपके घर में जो पैसे कभी टिकते ही नहीं थे, हमेशा हाँ, पैसों का तंगी रहती थी। हाँ तंगी रहती थी। मैं अप्रैल के महीने से बहुत तकलीफ थी, लेकिन अप्रैल के महीने आते थे मैं अभी तक में पैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान भी आ जाता। प्रभु के आशीषों से पैसों की अभी कोई समस्या अड़चन आती नहीं है, कोई अड़चन नहीं आती। वैसे आपके कान में क्या तकलीफ हुई थी? मेरे कान में बस आवाज आ रही थी, कुछ भी ऐसा रह रहे घर 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 आवाज आती थी। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना में तेल था वो तेल डालती गई, फिर दो तीन दिन के अंदर मेरा कभी निकल गया पता ही नहीं चला। फिर मैं आई थी अगले गवाही में भूल गई, मैं बोला अब की जाके मैं तीनों गवाही साथ में देती हूँ। अभी कान में दर्द भी नहीं होता?
होता। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप सबकी क्या गवाही है, जरा एक एक करके बताइए। हमारे सबकी गवाही है, पहले मैं अपने बेटे की गवाही देता हूँ, छोटा बेटा का। इसको 2 महीना पहले मोबाइल का लत लग गई थी। कितने दिन से ऐसे लत थी? ये लत 3-4 महीने से हो गई थी, लेकिन नींद में भी मतलब ये लत लग गई थी कि नींद में भी ये मोबाइल चलाते रहता था, और इधर रात को भी उठ के किधर भी घूमने लगता था, सोए सोए में भी घूमता था। तो इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हो गए, तो बुखार भी आ गया था उस समय, तो हमने दवा खाना भी दिखाया। तो दवा खाना में ले गया तो दवा तो लिया, लेकिन दवा ये बोलता मैं नहीं खाएगा। तो हमने प्रार्थना घर में फ़ोन लगाया, यहाँ से सिस्टर ने प्रार्थना किया इसके लिए 2 महीना पहले, तो उस समय से इसका मोबाइल का लत छूट गया। दवा हमने एक भी नहीं खाया, सब फेंक दिया। लेकिन मोबाइल की लत मतलब क्या करता था नींद में, मतलब कैसा? नींद में ही मोबाइल ऐसे ऐसे जैसे चलाते हैं ना, वैसे चलाते रहता था। मतलब हाथ में मोबाइल नहीं, खाली इशारे से चलाने का? हाथ में मोबाइल है नहीं, फिर भी घूम घूम के चलाता था नींद में। नींद में आ सोया रहेगा तो भी चलाएगा, सोया रहेगा आँख बंद है मोबाइल चलाएगा। ये समस्या 3-4 महीने से थी? 3-4 महीने से। इसे केंद्र में फोन लगाया, सिस्टर ने प्रार्थना की यहाँ के, तो वो समस्या निकल गई। लेकिन हमने गवाही नहीं दी थी, तो फिर 3 दिन पहले वापिस इसने सोया था, तो ऐसे ही रात को मतलब दिन में ही सोया था, तो दिन में तो हम लोग नहीं रहते, लेकिन रात को हम लोग देखा कि ऐसे ही शाम के पहर में ही सोया था, तो इसे इसे मोबाइल चला रहा था। मैंने बोला कि अरे गवाही नहीं दिए हैं, फिर वापिस इसका हो गया वही प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने प्रभु से क्षमा मांगा। मैं बोला गवाही दे दूँ संडे को, तो मैंने गवाही दिया। इसलिए अभी ये एकदम अच्छा से है, मोबाइल नहीं चलाता है, अभी अच्छे से सोता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। ये बेटे की क्या गवाही? ये इसके मेरे दूसरे बेटे की गवाही है कि इसको 2 महीना पहले ही इसको भी बुखार आ गई थी। बुखार आने की वजह से पूरा मुंह में छाला आ गया था, छाला आने से इसका मुंह में घाव जैसा हो गया था, खाना नहीं खाने को हो रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था। तो इसके लिए भी प्रार्थना किया हम लोगों ने, मिल के प्रार्थना किया, तभी से इसका और तेल पानी का इस्तेमाल किया तो इसका अच्छा हो गया। फिर मेरी गवाही है मुझे भी 6 महीना से मुझे ऐसी हो गई थी कि मुझे पूरा दर्द कर रहा था, और इधर जैसे वाइट जैसा हो गया था, और मेरा मुंह खुल नहीं रहा था, मेरे मुंह में एक उंगली भी नहीं जा रही थी, ऐसे एक उंगली भी नहीं जा रही थी, मुंह बैठ गया था मेरा, और मैं खाना खाता था, रोटी खाता था तो उंगली से दबा दबा के खाता था, चावल कम ही खाता था। यहाँ भी मैं सेवा करता था तो यहाँ भी खिचड़ी खाने के लिए मुझे चम्मच भी नहीं लेता था, हाथ से लेके हाथ से ही दबा दबा के खाता था। मतलब खाना आपके मुंह के अंदर जाता ही नहीं था? मतलब नहीं था, मतलब उसको ज़बरदस्ती ढकेलना पड़ता, ज़बरदस्ती उंगली से ढकेल के खा लेता था कैसे भी। ये मुझे 6 महीना से थी, लेकिन 24 तारीख को यहाँ सेवा, 24 दिसंबर को यहाँ सेवा कर रहा था, तो यहाँ ब्रदर की कब्र रखी थी, कोट रखा था, रखा हुआ था, तो कोट को मैंने हाथ लगाया, उसी समय मुझे स्पर्श हुआ, मैंने गिरा, उसी समय से मेरा मुंह खुलने लगा, अभी मेरे मुंह में 2 उंगली अच्छे से जाता है, अभी 2 उंगली जाता है। पहले मैं पानी पूरी भी तक नहीं खाता था, केला भी नहीं जाता था मेरे से, यहाँ केला मिलता था तो मैं घुमा को केला को खाता था, लेकिन अभी केला अच्छे से खा लेता हूँ और पानी पूरी भी खाता हूँ, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मेरी बाकी गवाही इनकी है। बहन जी आपकी क्या गवाही बताइए? मेरी गवाही ऐसी है ना कि 2012 में इनका हाथ कट गया था। हाथ मतलब अंगूठा? क्या अंगूठा? मशीन में कट गया था। तो जब मैं घर पर थी ना, तो मेरे को आके कंपनी का इनके छोटा वाला भाई रहते थे, तो वो मेरे को बताए कि भाभी भैया का हाथ कट गया है। तो मैं बोली कैसा मशीन है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत? नहीं मतलब जब उनका उंगली जो कटा था, तो उसके वजह से बाद में आपको क्या तकलीफ समस्या शुरू हो गई वो बताइए। समस्या ऐसा हो गया कि मैं हॉस्पिटल में गई ना, तो इनका हाथ देख के ना मेरे को ऐसा लगा ना कि सर में कुछ जाके बैठ गया। वो 2012 से मेरा सर में इतना दर्द होता था कि मेरे को गुस्सा भी आता था, मैं किसी से बोलने को भी नहीं चाहती थी, मैं किसी जन मेरे को सामने से बोले तो मैं उससे बात करूं, और कोई बोलता भी था ना तो मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि सामने वाला क्या बोलते थे मेरे को, घमंडिया है तो मैं घमंडिया है इसके लिए नहीं बोलती, बल्कि मेरे को इतना ही दर्द करने लगता था ना कि मेरे कान से भी नहीं सुनती थी। इतना दर्द होता था आपका सर कि आपके कान में आपको सुनाई नहीं देता था? नहीं, सुनाई नहीं देता था। और गुस्सा भी आपको बहुत आता था? बहुत गुस्सा आता था कि मेरे से कुछ कोई बोले मत। मतलब वो एक हादसे के वजह से? हाँ, एक हादसे की वजह से मेरे को ऐसा, मैंने रात को मैं सो जाती भी ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे आगे पीछे हाय को मैंने, ये अंगूठा नहीं रहता है तो कोई काम नहीं हो पाता है, प्रभु कुछ तो कर। प्रभु को मैं नहीं जानती थी, 2013 में मैं जानी प्रभु को, तब जानती, तब धीरे धीरे विश्वास में करते आ गई,
मैं इतना भी विश्वास रखी कि मेरा प्रभु है साथ में, बाकी फिर भी मेरे को मेरे अंदर ऐसा लगता था ना कि मेरा मामा भी सब कोई है, बाकी किसी जान जब प्रभु में मैं घुसी तब से मेरे किसी जान मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब समस्या कब निकल गई, मतलब आपको कैसा ये डर जो आपके दिल में था, जो आपको ये सारी समस्या हो रही थी, ये कैसे निकल गई वो बताइए। ओ मैं गुड फ्राइडे के दिन ब्रदर का कोर्ट छुई थी ना, तभी मेरा समस्या ख़त्म हो गई 2023 में। हाँ तो समस्या मेरा ख़त्म हो गई थी, उसके बाद में मैं गवाही नहीं दी। फिर मेरे को 15 दिन से मैंने चालू हो गया, 15 दिन से चालू हो गया। तो आज एक सिस्टर वो मेरे इसी पर गिरी ना, तो ऐसा लगा ना कि मेरा सर से कुछ निकल गया। तो ऐसा मुंडी घुमा रही तभी घूम रहा है, अभी दर्द उर्द कुछ नहीं है, ऐसा भी कर रही हूँ तो घूम रहा है। मतलब अभी जो सामा दर्शन से शुरू था, जब एक बहन आपके उसी सर के ऊपर गिरी तो वो सर का दर्द में निकल गया, और वो सर दर्द के वैसे आपको घुमाने में या कंधे में भी बहुत दर्द होता था, वो दर्द में निकल गया, पूरी दर्द निकल गई है, कुछ भी दर्द नहीं, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी समस्या नहीं। नहीं अभी यीशु ने इन परिवार को आशीषित किया है, आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का ऐसा गवाही है, ये बताते हैं कि इनको बचपन से ही दम लगता था और इनकी सांस भी फूलती थी। ये समस्या इनको जब से मतलब जानने लगे बचपन से, मतलब लगभग 5-6 साल के तब से इनको दमे की समस्या थी, इनकी सांस फूलती थी। ये समस्या के लिए इन्होंने बहुत सारे इलाज भी किए, दवा भोजन पानी की, और लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बताते 2019 में ये पहली बार प्रार्थना सभा में आए, प्रार्थना सभा में आने के बाद इनको विश्वास जाग गया कि यहाँ पे मेरी बीमारी निकल सकती है, तो ये प्रार्थना में आते रहे। उसके बीच में इन्होंने निवासी शिविर भी किया और हर और शनिवार की उपास प्रार्थना में भी आते रहे, उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई। अभी बता रहे अभी 1 साल हो गया है, इनको जो दमा लगने की जो बीमारी थी वो निकल गई है। इसके अलावा ये बताते हैं कि इनको कुछ दिनों से बुखार था और बुखार जाने था, इसके लिए इन्होंने प्रभु से प्रार्थना भी करते थे लेकिन बुखार जाने रहता। फिर इनकी पत्नी ने विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना की और उनकी समस्या लिख के बिनती पेटी में डाली, और उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई और इनके बुखार की समस्या भी निकल गई है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई खड़े रहिए, आप बता रहे कि आपको मतलब बचपन से जब मतलब आप जानने लगे, जब अभी मतलब 5-6 साल से पकड़ लो, तो उस समय से आपको सांस फूलती थी, बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी। मतलब कैसा होता था सांस फूलती, मतलब क्या होता था ऐसा पूरा ऐसा सांस, मतलब ऐसा जान ऊपर नीचे ऐसा होता था, सांस नहीं अंदर समाती थी, मतलब अंदर समाती नहीं थी, ऐसा ऊपर नीचे होता था, नीचे होता था। ये बच मतलब जब जाने तब से थे। हाँ हाँ। तो 2019 में क्या हुआ? मैं यहाँ आया, प्रार्थना करने लगा यीशु मसीह से, और चैनल में भी देखता था, लोग गिरते थे पड़ते थे, ठीक होता था, गवाही सुनता था। तो यहाँ आया मैं भी प्रार्थना करने लगा, मेरी बीवी भी करती थी, धीरे 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 सांस फूलना बंद हो गई, अच्छा हो गया। अभी सांस नहीं फूलता, मतलब हालत ख़राब हो जाती जब सांस फूलती थी, तो कुछ उठा नहीं पाता था मैं, इतनी सांस फूलती थी आप कुछ उठा नहीं पाते थे, भी नहीं उठा पाता था, वजन चीज़ तो छोड़ो हल्का चीज़ भी नहीं उठा पाता, एक कार्टून नहीं 15 किलो का उठा सकता था, 15 किलो का एक कार्टून भी नहीं उठा पाते थे सांस फूलने की हालत में, इतनी सांस फूलती थी, सांस फूलती। लेकिन जब प्रार्थना में आने लगे, विश्वास में बढ़ने लगे, तो अभी 1 साल हो गया, अभी सांस फूलती नहीं, सांस नहीं फूलती अभी। अभी आप वजन काम भी करते? वहाँ डाई भी वजन उठाता हूँ, सब कुछ कर, सब काम कर। ये भाई का नाम मारुति पाटिल है, ये बताते हैं ये बम्बई से आए हैं। इनका कहना है कि गए 2 साल से इनके दोनों घुटने में भी दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि जब ये बैठ जाते थे तो उठने में भी इनको बहुत तकलीफ होती थी, दर्द बढ़ रहा था, चलने में भी तकलीफ होती थी। इसके लिए इन्होंने इलाज तो किया लेकिन इलाज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बीमारी वैसे की वैसे ही थी, दर्द वैसे ही रहा। फिर ये बता दें कि नवंबर 2023 में इन्होंने विश्वास से निवासी शिविर में भाग लिया, और बताते हैं सोमवार को जब निवासी शिविर में गए तो भी इनको दर्द हो रहा था, लेकिन बुधवार के वक्त जब चंगाई की प्रार्थना होती है, आखिर की चंगाई की प्रार्थना में जब वहाँ पर ब्रदर ने कहा कि नाच गाकर प्रभु की स्तुति करो, तो ये भाई विश्वास से वहाँ कूद कूद के नाचने लगे। जब नाचने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु का सामर्थ्य इनके उतरा, और ये बताते तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके दोनों घुटनों का दर्द बिल्कुल निकल गया है, अब ये बिल्कुल भी ठीक ठाक है। अब 1.5 महीना हो गया है, इनको पैर में कोई भी तकलीफ नहीं, घुटनों में कोई भी तकलीफ नहीं है, ये अच्छी तरह चलते फिरते हैं। इसके लिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाऊ किती वर्षापासून तुम्हाला, म्हणजे 2 वर्षापासून गुडघे दुखत होते? 2 वर्षापासून दुखत होते। त्यावेळी तुमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही बसला तर तुम्हाला उठताना फार त्रास व्हायचा? हां, झोपल्यावर उठल्यावर हात टेकून मला उठायला लागायचं, जमिनीला हात टेकून तुम्हाला उठावं लागत होतं? हो, हात टेकून उठायला। पहिले जेव्हा तुम्ही तुमचे पाय गुडघे दुखाय तेव्हा कसे बसून उठायचे दाखवा जरा, कसे बसायचे? असे बसल्यानं तुम्हाला उठायला कसं उठायचे? असं उठायचं,
आठ लांबाई करायला लागायचे, लांबपार करायला लागते ते, म्हणजे उठून उठायला फार त्रास व्हायचा, असं उठायला म्हणजे थोडा वेदना पण व्हायचा. आता तुम्ही बसा आणि पुन्हा झटकन उठून दाखवा. आता उठा. पहिले असं पटकन उठू शकत नव्हते, त्रास व्हायचा. निवासी शिबिरात 2 वर्ष झाला त्रास निवासी शिबिरात निघून गेला. निघून गेला. आता तुम्ही पहिला चालताना पण त्रास व्हायचा का? हा, चालताना पण त्रास व्हायचा. दुखायचे गुडघे. आता जरा चालून दाखवा, धावून दाखवा. हा, धावताना पण दम लागायचा. आता दम नाही लागत. धावून दाखवा तुम्ही. पहिला धावताना तुम्हाला दम लागायचा, आता दम लागत नाही. या इकडं. आता तुम्ही धावलात म्हणजे धावल्यानंतर तुम्हाला काहीच दम लागणार नाही. दम नाही लागला. पहिले धावायचे दम लागायचे, लगेच ताबडतोब दम लागायचं. दम लागायचा मग तुम्हाला थोडं थांबावं लागत. थांबायला लागायचं. 2 वर्षाचा त्रास प्रभूच्या निवासी शिबिरात काढून टाकला. हो. इस बहन की उम्र अभी 50 साल है और जब ये 17 साल की थी तभी से ही उनके बाएं पैर का जो अंगूठा है उसका नाखून हमेशा सड़ जाता था और बरसात के दिनों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती थी. उनका अंगूठा भी काफ़ी ज़्यादा सूज जाता था. चलते समय उनको कभी कभी लंगड़ कर चलना पड़ता था. ऐसी नौबत हो जाती थी. ये बहन बता रही है कि अक्टूबर 2023 में इन्होंने विश्वास से 3 दिन के निवासी शिविर में भाग लिया. उस शिविर में प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया और तब से उनका जो अंगूठा जो हमेशा पस से भरा हुआ रहता था, मवाद बना हुआ रहता था, वो अंगूठा भी पूरी तरह से अच्छा हो गया है. अभी इतने महीने हो गए हैं, एक बार भी वैसी समस्या निर्माण नहीं हुई. प्रभु यीशु ने इन्हें चंगा किया है. वैसे ही आज सुबह से इनके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन जिस समय इन्होंने विश्वास से हंसने वाली बहनों को स्पर्श किया, जो बहनें प्रभु के सामर्थ्य से हंस रही थी उन्हें स्पर्श करने के दौरान प्रभु का सामर्थ्य इनके ऊपर भी आ गया और प्रभु के अनुग्रह से इनका दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया है. इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. ताई, एवढा वर्षापासून तुम्हाला त्रास होत होता? मला 16-17 वर्षापासून ते नाकाचा त्रास होत होता. तुमच्या वयाचा 16-17 वयापासून? हो. आणि मग आता मी 50 वर्ष झाले ते ऑक्टोबर महिन्यात शिबिरला आले आणि माझ्या पायाचा पूर्ण त्रास निघून गेला येशू प्रभूच्या ह्याच्या कृपेने. तुमचा अंगठा जो आहे तो नेहमी म्हणजे पूर्ण असा सडलेला होता, म्हणजे नाखून सारखं सारखं निघून आणि ते हे व्हायचं, त्याच्यातून घाण निघायची सारखं, तर मग ते नाखून पण निघून जायचं. पण आता ते शिबिरमध्ये गेल्यापासून ना पूर्ण माझा अंगठा नीट झाला. चालताना तुम्हाला लंगडत चालवलं? असं चालत होती मी, असं एकदम म्हणजे मला चालताच येत नव्हतं पहिलं, आणि आता मी व्यवस्थित चालते आणि अंगठा पण बरा झाला. प्रभूने या बहिणीवर महान अशी कृपा केली आहे, त्यांना बरं केलं आहे. सर्वांनी ताळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. बहन आपका नाम बताइए. मेरा नाम पुष्पा मारोठिया, मैं थाना से आई हुई हूँ. क्या हुआ था आपको? मैं 2 महीना पहले ना गिर गई थी, काम करते समय मैं गिर गई थी, 3 जगह मेरा फ्रैक्चर हुआ. और मैं इधर फिर आई, पहले दिन भी आती है, फिर मैं आती ही रही इधर, और मेरा पैर का प्लास्टर अभी चढ़ा था वो भी खुल गया और मेरा पैर एकदम ठीक है, सूजन भी नहीं है, मैं अच्छे से चल रही, दर्द भी नहीं है उसमें, मैं एकदम अच्छे से. और मेरा हाथ में भी दर्द था, मेरा हाथ भी ठीक है अभी. आप फ्रैक्चर हो गया तो पैर में कहाँ पे चोट लगी थी आपको? इधर, ये इधर चोट लगी थी 3 जगह, वहाँ 3 जगह पे चोट आ गई थी, उसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ था. और आप बता रहे ठीक से चलने नहीं होता था? बिल्कुल नहीं चलने होता था, प्लास्टर लगा था तो मैं गिर भी जाती, क्योंकि मेरे पैर में बैलेंस नहीं है, मैं अपंग हूँ तो मेरे पैर में बैलेंस नहीं, उठने को भी नहीं होता था, बैठने को भी नहीं जल्दी से होता था, इसलिए फिर भी इधर आती रही मैं, रिक्शा से आती हूँ अभी, और आती रही फिर भी मैं ठीक हो गई अभी. अभी उस पैर में दर्द नहीं है, वहाँ पर ज़रा भी तकलीफ नहीं, अभी वो पैर आप जमीन पर रखती है तो दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता बिल्कुल भी अभी. प्रभु ने चंगा किया. आपके हाथ का दर्द भी निकल गया है? हाथ का दर्द भी निकल गया मेरा. माझी आपका भाजी का दुकान है? भाजी का दुकान जयनगर में है. मेरा भाजी का दुकान नहीं चल रहा था, 7 महीना से बिल्कुल ठप था. इधर 24 तारीख को दिसंबर में मैं आई, प्रार्थना में भाग ली, तो 24 तारीख से अभी मेरा बहुत अच्छा धंधा चल रहा है. अभी कोई टेंशन नहीं है, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं फटे. आप बता रहे कि काफ़ी समय से भाजी का दुकान चलता ही नहीं था, लेकिन 24 दिसंबर को जब आप यहाँ पर आकर प्रार्थना करके गए तभी से प्रभु की कृपा से भाजी का धंधा अच्छे से चलने लगा? चल रहा है. 7 साल हो गया था नहीं चलता था. 7 साल से नहीं चल रहा था? अभी ये 15 दिन हो गया, अभी अच्छे से चल रहा है.
इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रहे हैं। वैसे ही ये उनका पोता है, कुछ महीने कुछ दिन पहले वो घर छोड़कर भाग गया था किसी कारण की वजह से, और इन्होंने पूरा दिन ढूंढा उसे नहीं मिले, फिर इन्होंने प्रार्थना किया प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी और रात को 2 बजे कुछ लोग आए और उनको इसके घर पर छोड़कर गए। इसीलिए आप लोग ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम लालजी पाल है, ये बता रहे कि ये रिक्शा ड्राइवर हैं और 1 साल से इनके पेट में सूजन हो गया था और दर्द होता था, तो ये इलाज के लिए दवाखाना गए। जब इनका चेकअप हुआ तो डॉक्टर बताया कि आपके पेट में पथरी है, सूजन है और हार्निया है, इसके वजह से तकलीफ़ हो गई है और पूरा शरीर सूज जाता था। उसके बाद प्रभु में आने लगे, प्रार्थना करते गए। बता रहे हैं कि 6 महीने तक ऐसा चलता रहा। 6 महीने के बाद जब इन्होंने दोबारा जब चेकअप करने के लिए गए तो वहाँ पे जो पथरी और सूजन था पेट का, पूरी तरह से प्रभु यीशु ने निकाल दिया है। अब उनका पैर का सूजन और पेट में दर्द और सूजन पेट में नहीं होता है, प्रभु ने चंगाई दी है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इनका नाम कंचन प्रजापति है, ये बताती है कि 2 साल से इनके पैरों के नसों में बहुत दर्द रहता था, यह थोड़ा भी चलती थी तो इनके पैर दुखने लगते थे। ये प्रभु के पास प्रार्थना करती रही, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती रही, प्रभु की दया इन पर हो गई। अभी 7 महीने हो गए हैं, पैरों के नसों में दर्द नहीं होता है, अभी ये चलती है फिर भी इनको दर्द नहीं होता, इसलिए आप तालियाँ बजा कर प्रभु को धन्यवाद दो। आप बताइए कि आपके पैरों में इतनी तकलीफ होती थी? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। हाँ सिस्टर, दोनों पैरों के नसों में दर्द होता था। हाँ सिस्टर, बहुत जैसे चल, थोड़ा जोर से बोलिए आप। बहुत दुखता था ऐसा सिस्टर, मतलब थोड़ा भी चलते थे फिर दर्द होने लगता था। हाँ सिस्टर, लेकिन आप प्रार्थना में आते रहे, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और अभी दर्द नहीं हो रहा है। सिस्टर अभी दर्द नहीं है, प्रभु की दया हो गई और अभी 7 महीने हो गए आप ठीक हो। हाँ अभी ठीक हूँ, अभी बिल्कुल दर्द नहीं होता। सिस्टर बिल्कुल दर्द नहीं होता, अभी आप बहुत चलते भी हो फिर भी पैरों में दर्द नहीं होता। नहीं सिस्टर अभी नहीं होता दर्द। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोकनाथ भगत है, लोकनाथ भगत है। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है जो छोटे भाई को स्विमिंग पूल में सर में चोट लग गया था तो उसकी एक आँख खुल नहीं रही थी। ये कितना समय पहले लगा था इनको? ये लगभग 4-5 महीना पहले लगा था, दवा वगैरह कराया लेकिन आराम नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पहले से 6-7 महीने से प्रार्थना में आते हैं, तो मेरी पत्नी ने वो तेल वगैरह लगाया तो उसको तुरंत आराम हुआ। प्रार्थना तेल लगा के प्रार्थना की, उसके बाद उसको तुरंत आराम हुआ। तो फिर अगले संडे को इसको लेके आए और धीरे धीरे ये 2-2.5-3 महीने हो गए इसको भी आते, इसका आँख खुलने लगा, ठीक हो गया। कौन से भाई आपके कौन से आँख में लगा हुआ था? ये भाई आँख में लगा हुआ था और एक हफ्ता बहुत दर्द कर रहा था, भाभी ने इसमें जो अपना जो तेल है वो लगाई, उसी दिन से आराम हो गया सर। उसके बाद धीरे धीरे प्रभु का अनुग्रह हो गया, अभी आँख खुलने लगा, सूजन और जो लालपन था पूरी तरह से निकल गया। निकल गया, सब निकल गया, अभी आँख पूरी तरह से ठीक है। पूरी तरह से ठीक है। काय साक्ष आहे तुमची? माझी साक्ष आहे की मी गावाला सासूला नाही चाललेली आणि मी पाकिट नेहमी घेत असते संगट, पर घेतलेलंच होतं आणि गावाला जाताना बस स्टॉपला गेल्यावर बघितलं पाकिटच नाही, म्हणलं आता कुठं गावलं, आता म्हणलं कुणाला गावलं तर मला गावणार बी नाही आणि सासूला कशा आणायला जाणार म्हणलं, तर मग मी येशूला प्रार्थना केली तथंच की माझं पाकिट घरातच गावावं आणि भेटा। तुम्ही कुठे राहता? मी ह्याला राहते पुण्याला। आणि गाव कुठे? सातारा। साताराला, म्हणजे जेव्हा तुम्ही घरातून निघाला तेव्हा तुम्ही पाकिट घेतली होती? हां घेतलेली, परत कुठं पडली तेच मला माहीत नाही, मी हुडकली सगळीकडे पिशवीत यात बॅगत या सगळे हुडकली नाहीच गावलं। परत मग मी पोराला फोन लावला, म्हणलं बघ घरामध्ये हुडक आहे का, मी आधी प्रार्थना केली आणि मग त्याला सांगितलं, तो म्हणे हाय मम्मी सायकलीवरच आहे पाकिट असंच तुझं। पाकिट मिळाली? हां मिळालं, म्हणून धन्यवाद। व्यवस्थित गावी जाऊन आलात? गावाला जाऊन आली। आणि पुढची काय साक्ष आहे? माझं ते एक दिवस पोट पूर्णपणे दुखत होतं दिवसभर, परत मी काहीच नाही केलं, पोराला फोन केला, मला म्हणलं दवाखान्यात तर जायचं आहे, म्हणून दवाखान्यात गेले तर नाही गेले, म्हणलं मला काम आहे मला नाही यायला होणार,
मग माझ्या मालकाला फोन केला, ती भी म्हणे मला नाही येणारा. मग मी म्हणलं आता कुणीच नका येऊ, मी आता वचनं बोलत राहते. वचनं बोलत राहिले माझं पोट पूर्णपणे बरं केलं देवानी. आणि मग सगळीच आले ती दवाखान्यात घेऊन जायला, म्हणलं माझं पोट बरं झालं. प्रभूने तुम्हाला बरं केलं. बरं केलं. प्रभूने या बहिणीवर महान अशी कृपा केलेली आहे. ये बहन बता रही है कि ये पूना से आई हुई है और अपने गांव सातारा जाने के लिए निकली हुई थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ में पर्स लिया हुआ था. रास्ते में कहां गिर गया क्या उनको पता नहीं. और जब भी वो टिकट निकालने के लिए गई तभी देखती कि पर्स ही नहीं है. तभी उन्होंने वहीं पर प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की और अपने बेटे को घर पर चेक करने के लिए बताया. उस समय पर उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि मेरा पॉकेट जहाँ कहीं भी गिरा हुआ है घर पर ही होना चाहिए. इनकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और वो पॉकेट उनको घर पर मिल गया. वो उनके गाँव अच्छे से जा करके आई. वैसे उनके पेट में दर्द हो रहा था, इन्होंने विश्वास से तीन वचन बोले. वचन बोलने से प्रभु का स्पर्श उन्हें हो गया और पेट दर्द निकल गया. इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. ताई तुम्हाला काय झालं होतं? मी ना पडली होती तर 2 वर्ष झाला. माझा पाय भरपूर दुखत होता, उठायला नाही होत, बसायला होत, असे लांब पाय करून ना बसायची असं झालं होता. उजवा पायाला मार लागलो, डावा पायाला मार लागलो होतं. मार लागला होता तर मी भरपूर दवा खाला, 2 वर्षापासून तरी बरा होत नव्हता. मम्मीने शिबिर केला दिवाळीच्या नंतर. 2 ऑक्टोबर 2 महिन्यापूर्वी तुम्ही शिबिरात भाग घेतला. हा भाग घेतला तर मग तिकडंच माझा चांगला पाय झाला. मग परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद देते. पायात म्हणजे गुडघ्यात मार लागला होता. गुडघ्यात मार लागला होता. त्यामुळे तुम्हाला त्रास व्हायचा बसताना उठताना? त्रास होत होता मला. मग तिकडं शिबिरला गेलो तर बरा झाला. मग परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद देते. आता चालताना बसताना असं काही त्रास होत नाही? होत नाही होत. आता तुम्ही व्यवस्थित चालता? हा व्यवस्थित चालते, व्यवस्थित बसते. तसंच तुमच्या डोळ्यांना काही त्रास होता? डोळ्याला ना मला अचानक धुरकट धुरकट दिसायला लागला दोन्ही डोळ्यांना. तर मी रोज डॉक्टरच्या गेलोच नाही. मी रोज प्रार्थना करायचो, लढून लढून प्रार्थना करायचो माझ्या डोळ्याला काय झालंय तर. देवा तुलाच माहिती आहे. तुम्ही शिबिरात गेले तेव्हा काय झालं? चांगला दिसायला लागला, एकदम चांगला दिसतोय मला आता. आता डोळ्यांचा त्रास होत नाही, जे तुम्हाला दुर्घट दिसायचं तसं काही होत नाही? दिसत आता मला. आता स्पष्ट दिसते? हा स्पष्ट दिसतंय. म्हणून प्रभू येसूला कोटी कोटी धन्यवाद देते. सर्वांनी मोठ्याने डाला वाजून प्रभू येसूला धन्यवाद द्या. ये बहन बता रही है कि 2 साल पहले उनको गिरने की वजह से उनके बाएं पैर के घुटने में मार लग गया था, जिसके वजह से उनको तकलीफ होती थी. 2 महीना पहले उन्होंने निवासी शिविर में भाग लिया. शिविर में प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि उनके घुटने का दर्द तो निकल ही गया, वैसे ही बहुत समय से जो उनकी आँखों से धुंधला दिखाई देता था वो समस्या भी निकल गई है. इसीलिए आप लोग ताली बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. ये बहन बता रही है कि 2021 से ही इनके दाहिने पैर में दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से इनके मन में एक भारी भय समा गया था कि कहीं इनका किडनी ना फेल हो गया हो. तो ये इलाज करवा रही थी लेकिन उससे उनको विशेष कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था. 30 से 40 हज़ार रुपये तक खर्च कर दिए लेकिन कुछ राहत नहीं मिली. और अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने विश्वास से निवासी शिविर में भाग लिया. शिविर में जब सिस्टर ने इनके सर पर हाथ रखकर इनको आशीष दी, उसी समय इनके उस शरीर में इनको कुछ तो भी अलग सा महसूस होने लगा. और बता रही है तब से लेकर के अब तक अभी इतने दिन बीत चुके हैं, उनके पैर में एक बार भी दर्द नहीं हुआ है. प्रभु यीशु ने इन्हें पूरी तरह से चंगाई दी है. इसलिए जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. ताई तुमच्या पायाला जास्त त्रास होत होता? खूपच त्रास होता या पायाला. असं वाटायचं मला का माझी कितनी फेल झाली का काय असं वाटायचं मला. तर डॉक्टरकडे जायची तर डॉक्टर सांगा मी आता थकलो आहे, किती तुम्ही काय करू शकत नाही मावशी. डॉक्टर बोलायचे की मी थकलो आहे, काय करू शकत नाही तर म्हणलं मला असं म्हणजे जास्त दुख नाही येते. बरं मला चांगलं तर गोळ्या द्या. तर बोलते कितीक द्यायचे तुम्हाला गोळ्या, आता दिलेत ना. आणि तुम्हाला चालताना वगैरे जास्त त्रास व्हायचं? असं मला उठता बसता असं झोपताना असं कळा नाही पडता येत मला. 2021 पासून 2023 पर्यंत खूपच असा त्रास होता खूपच. तर डॉक्टर बोलले का तर मी काहीच नाही करू शकत. औषधांचा काही विशेष तुम्हाला फरक जाणवला नाही? तुम्ही जेव्हा निवासी शिबिरामध्ये गेले तेव्हा काय घडलं? तेव्हाच माझ्या पायातून काहीतरी असं निघून, तिथं पण मला बसा नव्हतं, तिथून काहीतरी असं माझ्या पायातून निघून गेलं. आणि मग सिस्टरांना आल्यात तर मी म्हणलं सिस्टर माझं हे दुखते बरं, तर म्हणजे तुम्ही याच्यावर हात ठेवा. मग हात ठेवला, मग प्रार्थना केली सिस्टरांनी, मग बरं वाटतं मला. तुम्ही त्या भागावर हात ठेवले, सिस्टरांनी हात ठेवायला सांगितलं आणि सिस्टरांनी प्रार्थना केली. प्रार्थना केली मग तेव्हापासून माझं काहीच नाही दुखत.
तेव्हापासून काहीच दुखत नाही. धन्यवाद देते प्रभु लोक कोटी करून. आता चालताना वगैरे बसता उठताना काहीच नाही. अगोदर तुम्हाला बसताना कसं त्रास व्हायचा तुम्ही दाखवू दाखवा कसे तुम्ही बसायची. अशी बसायची अशी बसून हे करायची. उभे राहा आणि तुम्ही हळूहळू कसं चालत होते ते दाखवा. अशीच एवढे हळू चालत होते. हळू चालत होते. इथे या पुढे या लोकांना तर बसून दाखवा. उभे राहा. चला तुम्ही लोकांना चालून दाखवा. तुम्हाला त्रास होत नाही पायाला. अगोदर एकदम हळूहळू तुम्ही चालत होते. या इथपर्यंत या. प्रभू येशूने तुमच्या पायाचा त्रास पूर्णपणे काढून टाकलेला आहे. तर तुमचा पाय पूर्ण बरा आहे. बरं झालंय. प्रभूने या बहिणीवर महान अशी कृपा केलेली आहे. त्यांना बरं केलं आहे. सर्वांनी ताळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. भाई आपका नाम बताइए. मेरा नाम है संतोष जाधव. मैं पवई से आता हूँ. आपकी गवाही बताइए. मेरी गवाही ये है कि मैं पहला एक फाइव स्टार होटल में काम पे था. साफ सफाई का काम करता था. प्रभु की कृपा से मुझे प्रभु ने सेफ बनाया. और उसके बाद लॉकडाउन में वो बंद हो गया. उसके बाद मार्च महीने में प्रभु को मैं काम मांगा था फिक्स काम देने के लिए. तो प्रभु ने मुझे मार्च महीने में एक फिक्स काम दिया. फाइव स्टार होटल में दिया और एक अच्छा पद भी दिया सेफ का. और फर्स्ट कॉम ही दिया प्रभु ने. कोई होटल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ. और मार्च महीने में जो काम दिया उसके बाद अक्टूबर महीने में प्रभु ने मुझे परमानेंट किया. और सारा जो छुट्टी रहता है फैसिलिटी का सारा छुट्टी प्रभु ने मुझे दे दिया. इसलिए प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. प्रभु यीशु ने आपको फाइव स्टार होटल में जॉब दिया. हाँ. जो लोग फाइव स्टार होटल में काम करने के लिए होटल मैनेजमेंट करते तीन तीन साल कोर्स करते और तो भी उनको जल्दी से मिलता नहीं. लेकिन प्रभु की महान दया से मुझे एक फाइव स्टार होटल में परमानेंट जॉब मिला और एक अच्छा पदवी भी दिया प्रभु ने. एक सेफ बनाया. मैं साफ सफाई का बर्तन धोने का काम करता था लेकिन प्रभु ने मुझे एक साउथ इंडियन कुक बनाया और फर्स्ट कॉम ही दिया. इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ. शांताली अवश्य प्रभु का धन्यवाद करो. प्रभु के सारे अनुग्रह के लिए उसके सारे प्रेम के लिए दिल से उसका धन्यवाद करो. जोर से ताली अवश्य.
प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है अभी अभी। प्रभु का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जोर से तालियां बजाओ। धन्यवाद 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 प्रभु तुसे धन्यवाद तुसे धन्यवाद तुसे धन्यवाद। देखो अपने महान प्रभु की ओर, वो यहाँ पर है। प्रभु यीशु यहाँ पर है। ये पूरी जगह उसकी मौजूदगी से भरी हुई है। आप मनुष्य के सामने नहीं, जिंदा परमेश्वर के सामने खड़े हैं। वो आपकी ओर देख रहा है। आप उसे नहीं जानते होंगे, पर वो आपको जानता है। अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मा से उसे देखो, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। वो आपसे प्रेम करता है। वो हमारा सच्चा गडरिया है, जो हमारी देखभाल करता है, जो हमें संभालता है। देखो उसकी ओर, वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमारी कैसी परवाह करता है। आज आप उसके भवन में आए हो, अपनी ताकत से नहीं, महान परमेश्वर ने उसकी ताकत से आपको यहाँ पर लाया है। वो आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन के हर दुखों को मिटाना चाहता है, वो आपके हर आंसू को पोछना चाहता है, वो आपके जीवन को स्वर्ग की खुशी से भर देना चाहता है, आपके शरीर में वो चंगाई देना चाहता है। इसलिए किसी भी बात के लिए चिंता ना करो, आपका सारा बोझ प्रभु के हाथ में दे दो। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका सारा दुख दर्द प्रभु यीशु के हाथ में दे दो और केवल उसकी ओर देखते रहो कि वो कैसा भला है, प्रेम से भरा है। इतना प्रेम उसने किया है कि हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, शैतान के हाथ से हमें छुड़ाने के लिए वो इंसान बना, धरती पर आया, हमारे पापों को उठाया और वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने हमारे लिए मौत को सह लिया। अनादि अंत परमेश्वर होने के बावजूद वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसने मौत को सह लिया हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, हमारी आत्मा को मुक्ति देने के लिए। और मृत्यु के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो गया। उसने हमें पुनरुत्थान की आशा दी है। उसने कहा है, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उसने हमें अनंत जीवन का वादा दिया है। उसका प्रेम कितना बड़ा है, आसमान से भी ऊंचा, समुंदर से भी गहरा, जिसे कोई नाप नहीं सकता है। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे खुशी से भर दिया, शांति से भर दिया। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तू ही मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सहारा है, मेरा स्वामी है, मेरे दिल का राजा है। तेरी स्तुति हो,
तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद। और अभी शांत होकर प्रभु के सामने अपना हृदय खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, आप किन से बात नहीं करते हैं, किन का चेहरा देखना भी आपको पसंद नहीं है, उन सबों की इसी घड़ी याद करो और उन्हें क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का आदेश है कि हमें सबको क्षमा करनी चाहिए। हर दुश्मन को, हर अपराधी को हमने क्षमा करनी चाहिए, जिन्होंने आपको सताया, नुकसान किया, अपमान किया, धोखा दिया, बर्बाद किया, आपको बदनाम किया, ऐसे सब लोगों की याद करो, उनके चेहरे आंखों के सामने लाओ। शायद वे आपके घर ही के लोग होंगे, या आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी, या और कोई भी लोग होंगे। उनके चेहरे आंखों के सामने लाओ। आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के लिए, भाई, बहन, माँ बाप, सास ससुर, बहू, जिनके भी लिए गुस्सा होगा, उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कह दो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करो, हर एक को क्षमा करो। गुस्सा और नफरत शैतान का बंधन है, जिसके कारण हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में रोक देते हैं। आज इन बंधनों को तोड़ डालो, सबको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों पर अन्याय करना, अंधेर करना, मन के बुरे विचार, आंखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है। हम अपनी जबान से बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, किसी को गालियाँ दी है, किसी की निंदा की है, किसी के बारे में बुरा बोला है, मजाक उड़ाया है। अपना हर पाप कबूल करो। बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति के अधीन नहीं रहती होगी, कबूल करो। भाइयों, यदि आप अपनी औरत से सच्चा प्रेम नहीं रखते होंगे, उनको मारपीट की है, अपमान किया है, छल किया है, धोखा दिया है, कबूल करो। यदि आपने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया है, उनके प्रति आपका जो फर्ज है उसे नहीं निभाया है, तो कबूल करो। बच्चों, यदि आप माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, सुनते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, कबूल करो। हर कोई अपने अपने पाप को परमेश्वर के सामने कबूल करे और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। हमने जो पाप किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, हमने परमेश्वर के खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किए हैं।
जो हमारा सृजनहार परमेश्वर, उसी को हमने ठुकराया है, दुख दिया है। इसलिए आज सुबह प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने तुझे दुख दिया है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। टच टच टच, और अभी अपने पापों की प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए ईश्वर ने क्रूस पर लहू बहाया है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु के क्रूस को देखो, क्रूस पर से बहने वाले लहू की धारा की ओर देखो। अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी जरूरत है, तू ही मेरा सहारा है, मेरा मुक्तिदाता है, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है, आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसे क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं, उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसे क्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते होंगे तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।